साथियों आदाब, आपका इस्तकबाल हमारे चैनल शमा उर्दू हिंदी में। आज पढ़ेंगे सबक नंबर 19, खाना पीना और सोना। इंसान गिजा की बदौलत ताज़ा व तवाना होता है और बढ़ता है। उसकी खुराक की खास चीज़ें गेहूँ, चना, चावल, मेवा, साग पात, दूध, घी है। इंसान बखूबी जिंदा रह सकता है अगर हैवानी और निबाताती गिजा मिलाकर खाता रहे। हैवानी गिजाएं वो हैं जो हैवानात के जिस्म से हासिल होती है, मसलन दूध, घी वगैरह। निबाताती गिजाएं वो हैं जो दरख्तों से या सब्जे से पैदा होती है। दरख्त और सब्जे से जो खुराक आदमी को मिलती है उसमें से बास तुखम है, मसलन गेहूं, चना, मटर, माश, मूंग वगैरह। बास फल है, मसलन कद्दू, तरई, बैंगन, खरबूजा, तरबूज वगैरह। बास जड़े हैं जैसे गाजर, आलू, शलगम, चुकंदर, प्याज वगैरह। बास पत्ते हैं जैसे मेथी, पालक, सोया, पुदीना, हरा धनिया वगैरह। बास फूल हैं जैसे गोभी का फूल, कंचनाल की कलियां वगैरह। हैवानी गिजाएं और गल्ला आदमी की असली खुराक है क्योंकि उनसे गोश्त, पोस्ट और हड्डियों की मदद पहुंचती है, मगर तरकारियां और साग ईंधन का काम करती है और बदन में हरकत बढ़ाती है। इस हरकत से खाना हजम होता है और आदमी जिंदा रहता है। अगर हरी तरकारी बिल्कुल ना मिले तो बाज बीमारियां पैदा हो जाती हैं। दूध नहायत लतीफ़ और नफीस गिजा है, इसमें वो सब चीज़ें शामिल हैं जो इंसान की ज़िंदगी कायम रखने के वास्ते ज़रूरी है। कुदरत ने क्या हिकमत से ये मुफीद अर्क तैयार किया है कि जिसमें खाने और पीने दोनों शामिल हैं और इंसान को हर हालत में नफ़ा बख्शा है। बच्चा, जवान, बूढ़ा, तंदरुस्त, बीमार सबके मिजाज के मुआफिक है। जो गिजा हम खाते हैं वो मैदे में पहुँच कर पकती है, उसमें उसका जो कारामद हिस्सा होता है वो खून बनकर बदन में रह जाता है, बाकी फजूल हिस्से खारिज हो जाता है। मगर एक बार जिस कदर खून बनता है वो हमेशा के लिए काफ़ी नहीं, क्योंकि हर वक्त सर्फ होता रहता है। कुछ हिस्सा सांस और पसीने की राह से बाहर निकल जाता है। आदमी के बदन में कुछ ना कुछ हर वक्त घटता और तहलील होता है, इसीलिए उसको ताज़ा मदद पहुँचाने की ज़रूरत होती है। इसलिए उसकी खबर हम भूख को देती है, गोया भूख मैदे को आवाज है कि उसमें कुछ अब मुझे कुछ मुझको गिजा पहुंचाओ। मैदे का बेअंदाजा भरना ना चाहिए, इससे हजम में फतूर पड़ता है, गिजा मैदे के अंदर सड़ जाती है। उस वक्त आदमी सुस्त और बीमार हो जाता है। न खाओ इतना ज्यादा के डाल दे बीमार, न इतना कम हो के ना ताकत ही डाले मार। इसके बाद है पानी, भी इंसान के लिए जरूरी चीज है। बगैर इसके गिजा मैदे में गलती और घुलती नहीं। जब मैदा और बदन को पानी की ख्वाहिश होती है तो हमको प्यास लगती है। निहायत साफ सुथरा और ठंडा पानी पीना चाहिए। गंदा और ना साफ पानी आदमी की सेहत में खलल डालता है। चाय और कहवे का पीना भी मुफीद है, मगर नशीली चीजों का पीना निहायत मुजिर, इससे हमेशा परहेज वाजिब है। बाज आदमियों को तंबाकू पीने या खाने की लत पड़ जाती है, उससे कुछ फायदा नहीं। जो दाम इसमें सर्फ होते हैं वो महज बेकार जाते हैं। इसके अलावा बड़ी मुजरत यह है कि वे आदमी के दिमाग और निगाह को खराब करता है। खासकर बच्चों को निहायत एहतियात लाजिम है, कभी भूल कर हुक्का का मुंह ना लगाए। आदमी की जिंदगी के लिए सोना भी ऐसे ही जरूरी है जैसे कि खाना और पीना। सोने से बदन राहत पाता है और तरोताजा हो जाता है। अगर राहत मयसर ना आए तो आदमी मर जाए। जो उनकी यह निस्बत बच्चों को सोने की ज्यादा हाजत है। बच्चा जितना छोटा होता है उसी कदर ज्यादा सोता है। सोते में हम अक्सर ख्वाब देखते हैं। ख्वाब क्या है? वो हमारे ही ख्यालात हैं जो उस वक्त हमारे दिमाग में गुजरते हैं। अब इसके बाद जो है अल्फाज मानी
यहाँ पे दिए गए इन्हें देख लेते हैं। तवाना ताकतवर हैवान जानवर पोस्त छिलका खाल निबाती सब्जा से हासिल होना मिजाज तबीयत तुकम बीज लुत्फ मेहरबानी लज्जत हिकमत तदबीर दानाई। तहलील घुल जाना फतूर खराबी बुनियाद मुजिर नुकसान देने वाला मुजरत नुकसान माश उड़द इलावा अलैदा अलग लत बुरी आदत राहत आराम। और आखिरी वर्ड है आखिरी लफ्ज है खलल कमी नुकसान। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।